नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। दिवाली के बाद बिगड़ी आबोहवा, बहुत खराब शेरड़ी में पहुंचा एक यूआई। हरियाणा और पंजाब में वायु गुणवत्ता हो गई है खराब। कई इलाकों में एक यूआई खराब और बहुत खराब शेरड़ी में किया गया है दर्ज। दिवाली की रात सरकार ने सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की जारी की थी एडवाइजरी, लेकिन शाम 7 बजे से 12 बजे तक जमकर फोड़े गए पटाखे। इससे प्रदूषण की और खराब हो गई स्थिति। हरियाणा के 10 शहरों में 500 के पार पहुंच गया एक यूआई। यह इतना खतरनाक कि घर से बाहर निकलने पर स्वस्थ व्यक्ति भी पड़ सकता है बीमार। दिवाली की रात हरियाणा में जमकर हुई आतिशबाजी। प्रदेश भर में 55 जगहों से आग लगने की सामने आई ये घटनाएं, जिसमें लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। रेवाड़ी जिले में 6 और हिसार में 2 जगहों पर लग गई है भीषण आग। अकेले सिरसा जिले में 20 से अधिक स्थानों पर आग लगने की सामने आई है घटनाएं। वहीं करनाल में एक मकान की गिर गई छत। सोनीपत के गोहाना के महम रोड पर शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती और हरियाणा दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के बाद गोहाना का था यह उनका पहला दौरा। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा पदाधिकारियों विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत जिले में अपने प्रतिनिधि को किया है नियुक्त। भाजपा के सीनियर नेता गजेंद्र सलूजा को बनाया है प्रतिनिधि। इनके नियुक्ति से पानीपत जिले के लोगों को मंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए होगी सहूलियत। अब केंद्रीय मंत्री से मिलने, काम करवाने समेत विकास कार्यों की देखरेख का गजेंद्र सलूजा पर होगा जिम्मा। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव किया गया है नियुक्त। हरियाणा सरकार ने उनके नियुक्ति जारी कर दी है आदेश। व टीवेसन प्रसाद का लेंगे स्थान, जो वीरवार को हुए सेवानिवृत्त। हालांकि विवेक जोशी को पदभार संभालने में अभी लग सकता है कुछ समय। जब तक वह ग्रहण नहीं करते पदभार, तब तक गृह सचिव अनुराग रस्तोगी को कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में सौंपी गई है जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने दीपावली के दिन राज्य के अध्यापकों को दी है बड़ी सौगात। शिक्षा विभाग ने 374 PGTO 94 हेडमास्टरों को प्रमोशन देकर उन्हें बनाया प्रिंसिपल। शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है सरकार का यह कदम। से प्रमोशन ही नहीं बल्कि राज्य के 707 नवनियुक्त क्लर्कों को भी विभिन्न स्कूलों में कर दिया गया अलॉट। स्कूल प्रशासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है यह कदम। भारत पाकिस्तान के तानातानी के बीच पाकिस्तानी सांसद ने हरियाणा में मनाई दिवाली। सांसद अब्दुल रहमान खान कंजू सिरसा में चौटाला परिवार के बने मेहमान। उन्हें पूर्व डिप्टी PM ताऊ देवीलाल के परिवार ने दिया था न्योता। पाक सांसद के आने पर गांव चौटाला में रखी गई एक जनसभा। इसमें नेलो सुप्रीमो, पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक अभय चौटाला, विधायक आदित्य चौटाला, विधायक अर्जुन चौटाला के साथ साथ कर्ण और पवन बेनीवाल भी रहे मौजूद। फतेहाबाद के अग्रवाल कॉलोनी में दीपावली की रात को दिन में मामूली वाद को लेकर आपस में भिड़ गए दो पक्ष। झगड़े में एक गुट ने दूसरे के घर में घुसकर कर दिया हमला और कर दी हवाई फायरिंग। इस दौरान एक लड़की के हाथ पर लग गई गोली। लड़की के अलावा उसके माता पिता भी मारपीट में हो गए घायल, जिन्हें लाए गए नागरिक अस्पताल। शहर थाना प्रभारी का है कहना कि आरोपियों के खिलाफ हत्या प्रयास के आरोप में की जा रही है कार्रवाई। करनाल जिला के गांव में दीपावली की रात दो पक्षों में हो गया झगड़ा। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व ईंट पत्थर। घटना में एक गाड़ी को भी बुरी तरह से तोड़ा गया। दोनों पक्षों की तरफ से 8-9 लोग हुए हैं घायल। घटना की सूचना के बाद मौके पहुंच गई पुलिस और घायलों को भेजा गया सरकारी अस्पताल। पुलिस मामले की कर रही है जांच। करनाल के इंद्री थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर करीब 2 लाख रुपए की ठगी करने का सामने आया मामला। पीड़ित गांव की पंचायत में है सफाई कर्मचारी। पीड़ित ने लगाया आरोप कि 2 लोगों ने उसे लोन दिलाने के नाम पर ऐट लिए पैसे और हैक कर लिया उसका फोन। धोखाधड़ी के इस मामले में आरोपियों ने न सिर्फ उसके खाते से निकाल लिए पैसे बल्कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी दी धमकी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की पुलिस को दी है शिकायत। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।